गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में ये हम जो पढ़ रहे हैं पार्ट थ्री है। पार्ट थ्री में हम आज प्रोनाउन को चेंज करने के, प्रोनाउन कौन से होते हैं हमारे, जैसे आई, वी, यू, दे, ई, सी, इट, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर प्रोनाउन जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट होता है तो वो चेंज हो जाता है, वो सेम नहीं रहता। और वो चेंज कैसे होता है, वो होता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो प्रोनाउन को चेंज करते हैं, उन चीजों को हमें थोड़ा सा समझना है ध्यान से। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक आखिरी तक देखेंगे, लास्ट तक देखेंगे, और कुछ एग्जाम्पल भी मैं इसके बाद शेयर करूंगा आपके साथ। तो पहले ये जो थ्री रूल्स हैं प्रोनाउन चेंज करने वाले, इनको ध्यान से देखना है। देखिए हमारा टॉपिक है रूल चेंज प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। तो जो पहला रूल है हमारा, पहला रूल क्या है, फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बोलने वाला होता है, जैसे कि मैं कोई बात बता रहा हूं तो मैं क्या हुआ, मैं फर्स्ट पर्सन हुआ। तो फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से आते हैं प्रोनाउन, आई, माई, मी, वी, ओवर, अस, ये सब फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं। तो फिर चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्क, ये रिपोर्टिंग वर्क के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होने वाले। जितने भी ये प्रोनाउन है फर्स्ट पर्सन वाले, ये रिपोर्टिंग वर्क के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। सेकंड रूल हमारा क्या है, सेकंड पर्सन में कौन कौन से आते हैं, यू, योर, ठीक है ना, यू ये सब्जेक्ट केस है और ये पोजेसिव केस है। सेकेंड पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो सेकेंड रूल क्या है कि जो सेकेंड पर्सन है वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे, अकॉर्डिंग चेंज होंगे ऑब्जेक्ट के। पहले वाले में हमने बताया था सब्जेक्ट के, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के। अब बचा कौन सा, थर्ड पर्सन। देखिए फर्स्ट पर्सन वो होता है जो स्पीकर होता है, और यू सेकंड पर्सन वो होता है जो लिसनर होता है, जिसको बात बताई जाती है, ठीक है ना। अब थर्ड पर्सन कौन से होते हैं, थर्ड पर्सन आर दोज जिनके बारे में हम बात करते हैं। सपोज कीजिए वो व्यक्ति उन बात करने वालों के बीच में नहीं होता, जो दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे होते हैं, तो वो थर्ड पर्सन कौन से होते हैं, थर्ड पर्सन होते हैं ही, हिज, हिम, शी, हर, दे, देयर, देम, इट और इट्स बीच में ही आते हैं। तो ये क्या है, थर्ड पर्सन विल रिमेन सेम। फिर रिमेन सेम का मतलब है कि ये सेम रहेंगे, इनमें कोई चेंज नहीं होगा। अगर कहीं डायरेक्ट फॉर्म में ही लिखा हुआ है तो वो ही रहेगा, उसमें कोई हम चेंज नहीं करेंगे। तो ये तीनों रूल आपने ध्यान से देख लिए। अब मैं इसके कुछ एग्जांपल आपको बताने की कोशिश करूंगा। उससे पहले मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ इस रूल्स को याद करने की, वो मेरे पास है, ये आपको लर्निंग टाइम में याद रहेगी और आप इन तीनों रूलों को आसानी से याद कर सकते हैं। वो क्या है, आप ऊपर लिखिए 1 2 3, काउंटिंग हो गई, फिर नीचे लिखेंगे सन, एस ओ एन, सन इसका मतलब बेटा होता है। तो अब ये देखिए यहाँ पे 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, एस फॉर सब्जेक्ट। 2 सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ओ फॉर ऑब्जेक्ट। थर्ड पर्सन, 3 मतलब थर्ड पर्सन एन फॉर नो चेंज, यानी इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन नो चेंज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला। तो अब मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा इसके एग्जांपल्स, थोड़ा ध्यान से देखेंगे।
देखिए इसके कुछ एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, एग्जांपल समझाने की कोशिश करूंगा प्रोनाउन चेंज वाले। मैंने लिखा ही सेड यू आई डू नॉट प्ले क्रिकेट डेली, इन्वर्टेड कॉमा बंद। ओके अब क्या करेंगे, ही सेड टू, सेड टू चेंज कर दिया टोल्ड में, ही टोल्ड यू, यहां तक आपको पता है कंजक्शन आएगा दैट। अब ये आई, देखिए मैंने कहा था आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, तो आई किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्क कौन सी है, ये रिपोर्टिंग वर्क है टोटल यहां तक, तो रिपोर्टिंग वर्क का सब्जेक्ट कौन सा हुआ, ही, तो आई बदलेगा ही के अकॉर्डिंग, यानी यहां पे क्या आएगा ही। अब डू नॉट किसे बदलेंगे, डिड नॉट में, बटन इन द फीट को पंप इन द फीट में, डिड नॉट प्ले नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं, यू सेड टू मी आई एम डूइंग माय वर्क, इन्वर्टेड कॉमास बंद। अब इसको देखते हैं, यू सेड टू को टोल्ड में, यू टोल्ड मी, आई फिर फर्स्ट पर्सन है किसे बदलेगा यू में, दैट कंजक्शन दैट लगाएंगे, दैट आई की जगह क्या आएगा यू। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस को बदलेंगे पास्ट कंटीन्यूअस में, यू के साथ आएगा वर, यू वर डूइंग, अब देखिए माई भी चेंज होना है, माई भी फर्स्ट पर्सन है तो माई भी किस में चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्क के सब्जेक्ट में, लेकिन माई की जगह जो है हम यहाँ पे ये नहीं कि उठा के यू ही लगा देंगे, माई की जगह जो पोजेसिव केस है आई का माई, तो यू का पोजेसिव केस क्या होता है योवर, तो यहाँ पे योवर लगा देंगे, यहाँ पे आएगा योवर वर्क। ओके एक एग्जांपल और लेते हैं, रमेश सेट टू राकेश कोमा इन्वर्टेड कोमा यू विल गो टू सहारनपुर, इन्वर्टेड कॉमा बंद। अब देखिए क्या करेंगे, रमेश सेट टू की जगह टोल्ड, राकेश इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या आएगा कंजक्शन दैट। अब यू सेकंड पर्सन है, यू सेकंड पर्सन को किस में चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट में, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्क। अब यू को अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्क चेंज करना है, लेकिन रिपोर्टिंग वर्क का ऑब्जेक्ट क्या है, राकेश, तो ये नहीं है कि हम राकेश ही उठा के रख देंगे, राकेश कौन सा पर्सन होता है, थर्ड पर्सन होता है, तो राकेश सिंगुलर नंबर है थर्ड पर्सन में, तो इसकी जगह हम ही लेंगे। अब सपोज करो यहाँ पे स्टूडेंट्स होता, बॉयज होता प्लूरल में, तो फिर हम क्या लेते थर्ड पर्सन की जगह, फिर दे लेते यहाँ पे, तो सिंगुलर पर्सन में याद रखना है, सिंगुलर पर्सन में आपको ही लेना है, और अगर फेमिनिन जेंडर है कोई गर्ल है तो सी लेना है, और अगर प्लूरल में है तो आपको फिर दे लेना है। तो अभी हम क्या लेंगे यहां पे राकेश की जगह, ही लेंगे, तो दैट ही विल का क्या हो जाएगा वुड, ही वुड गो टू सहारनपुर,
टुडे का क्या हो जाएगा दैट डे। ओके, तो मैंने आपको तीन एग्जांपल देकर के समझाने की कोशिश की है और उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को बहुत सारा इसमें समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करूंगा। और फिर नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।